गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष इंग्लिश प्रोज के पहले लेसन के शेष पैराग्राफ्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अभी तक कहानी के अंतर्गत आपने जाना कि लेखक की जो बात करने वाली आदत थी, जो ये बात किया करते थे लोगों से, इनकी यह आदत एक स्टेशन पर बाधित हो गई। ठीक है, जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा क्या कि तमाम बच्चे टोकरियाँ और पंखे लेकर इनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, बटुर गए। वो टोकरियाँ और पंखे भेज रहे थे। लेखक महोदय उनकी भाषा तो नहीं समझ पाए, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से इन्हें यह पता चल गया कि बच्चे चाह क्या रहे हैं, बच्चों को चाहिए क्या। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हुई थी, आगे देखेंगे। अब इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो उन बच्चों की व्याख्या कर रहे हैं कि ये बच्चे कौन थे। देखेंगे, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ठीक है, दीज वेयर ये थे रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कौन थे? शरणार्थी बच्चे थे। ये जो बच्चे स्टेशन पर इनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, वो बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हेन जब पार्टीशन बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा वाज डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स निश्चित हो जाना। ठीक है, लीगल वे से निश्चित हो जाना। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ या बंटवारा निश्चित हो गया, तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, तो सैकड़ों हजारों लोगों ने, आप पीपल लोगों ने पुल्ड अप दियर रूट्स, अपना सामान उठा लिया, अपना बोरिया बिस्तरा बटोर लिया, एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंस, और अपना निवास स्थान भी बदल लिया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा निश्चित हुआ, तो सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया और अपने घरों को छोड़ दिया। केवल घर ही नहीं, अपना धंधा, अपना पेशा, मतलब कह दें अपनी सारी चीज़ें, सब कुछ, एवरीथिंग, दे लेफ्ट दियर, वो वहीं पर छोड़ दिए। ठीक है, 9 मिलियन पीपल, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अब यहां लिखा है 9 मिलियन, तो अंदाजा लगाएं कितना हुआ, 90 लाख लोगों ने क्या किया, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और कहाँ गए, भारत आ गए। ड्राइवन बाई, भगा दिए गए, भाग आए, बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिस्म, फैनाटिस्म माने कह दें रॉयड्स, दंगे, धार्मिक दंगों के डर से, धार्मिक उन्माद के डर से वो वहाँ से भगा दिए गए। उन्हें डर था कि अगर हम लोग यहीं पर रहेंगे तो स्वाभाविक है सांप्रदायिक दंगों का शिकार हो जाएंगे। तो सांप्रदायिक दंगों के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, स्टार्ट विद मीन्स कह दें इन द बिगनिंग, व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी दे वेयर ऑलरेडी पुअर, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो आरंभ में वो गरीब थे। ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी देयर इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट गुड, दे वेयर मिजरेबल कंडीशन। ठीक है, दे वेयर इन मिजरेबल कंडीशन, वो दयनीय हालत में थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। दे वर पुअरर, और वे गरीब होते गए,
एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक मीन्स यात्रा, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा आरंभ कर दी तो वो और गरीब होते गए। ठीक है, जैसे जब वहां से वो चले तो कुछ ही सामान लेकर चले थे साथ में, खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं कुछ ही लेकर चले थे, वो भी रास्ते में कुछ ही दिनों में, 4 या 5 दिनों में खत्म हो गया, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। स्थिति ये आई कि तमाम तो भूख और प्यास की कमी के कारण रास्ते में ही मर जाने लगे, और अन्य लोग भी इसी संकट को झेल रहे थे, इसलिए वो दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते थे। तो हुआ क्या, दे वेयर पुअर टू स्टार्ट विद, शुरुआत में वो गरीब थे, और दे वेयर पुअरर, वो गरीब होते गए, या कह दे और गरीब होते गए, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वो दिन ब दिन और गरीब होते गए। दियर कंडीशन वेंट बैड टू वर्स, उनकी हालत बुरी से बदतर हो गई। और क्यों ऐसा हुआ, फार मीन्स क्योंकि, आल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वो ला पाए थे, वाज बेटा फूड, वो थोड़ा सा ही भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ ही कपड़े थे, थोड़ा भोजन था और कुछ ही कपड़े थे, जो 5 दिन के अंदर ही, 4-5 दिन के अंदर ही खत्म हो गए। तो हुआ क्या, आगे वही लाइन लिखी है कि सून दे वर आउट ऑफ फूड, सून मीन शीघ्र ही, दे वर आउट, वे बाहर हो गए, ऑफ फूड किससे बाहर हो गए, भोजन से बाहर हो गए, इट मीन्स उनका भोजन जो था वो कंज्यूम्ड हो गया, उसका उपभोग कर लिया गया, अब खाना भी नहीं बचा उनके पास, अब पैसे तो ऑलरेडी नहीं थे। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों बाद, दे स्टार्टेड, उनके यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे, बाई द वे साइड, रास्ते के बगल गिरने लगे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वीकनेस मीन्स कमजोरी, ऑफ हंगर मीन्स भूख की कमजोरी के कारण वो रास्ते में ही गिरने लगे, एंड डाइड, और मर जाने लगे, वेयर दे फेल, जहां वे गिरते थे वहीं पर मर जाने लगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ्स को देख लेंगे, वर्ड टू वर्ड क्लियर कर लें। हाँ, अगर कोई लाइन समझ में ना आई हो तो वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, वो लाइनें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं बताए दे रहा हूँ, हियर द राइटर सेज दैट द चिल्ड्रन हु गैदर्ड राउंड हिम वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, द राइटर says that the children who were selling basket were refugees, वे शरणार्थी बच्चे थे, when Pakistan parted from India, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो 100,000 people picked up their luggage and changed their residence. They left their business, their occupation, their profession and their everything. अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया and came to India. और भारत आ गए। यहाँ क्लियर संख्या दी गई कि 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। क्यों आए, ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, दे वियर अफ्रेड ऑफ
कम्युनल राइट्स, वे धार्मिक दंगों से डरे हुए थे। ठीक है, इसकी दूसरी इंग्लिश लिख सकते हैं कम्युनल राइट्स माने सांप्रदायिक दंगों के डर से वो पाकिस्तान छोड़ दिए, भारत चले आए। इन द बिगिनिंग दे वियर वेरी पुअर एज दे हैड नथिंग टू ईट, शुरुआत में वे काफ़ी गरीब थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बट व्हेन दे स्टार्टेड दियर लॉन्ग जर्नी दियर कंडीशन वेंट बैड टू वर्स, उनकी हालत बुरी से बदतर हो गई। दे हैड टू फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग दियर जर्नी, द रूट्स वेयर अननोन, दे डिड नॉट नो मच अबाउट दियर रूट्स, मच अबाउट इंडिया। ठीक है, उन्हें ज़्यादा रास्तों के बारे में भी पता नहीं था और भारत के विषय में भी पता नहीं था। आफ्टर 4 or 5 days दियर फूड वॉज कंज्यूम्ड, 4 or 5 days बाद उनका भोजन खत्म हो गया। एज दे कैरीड ओनली ए लिटिल फूड एंड बिलोंगिंग्स, कुछ ही कपड़े, बिलोंगिंग्स की जगह क्लॉथ्स गारमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं, कुछ ही कपड़े और कुछ भोजन लेकर चले थे जो रास्ते में 4-5 days के बाद खत्म हो गया। ड्यू टू द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमी के कारण दे बिकेम वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हो गए। दे कुड नॉट वॉक ऑन देयर लॉन्ग ट्रैक, वे लंबी लंबे सफ़र पर चल भी नहीं सकते थे। सो दे फेल बिसाइड द रोड्स, वे सड़क के बगल गिरने लगे। फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर, ठीक है, भूख की कमी के कारण, भूख की कमी से कमजोरी के कारण वो सड़क पर गिरने लगे। एंड दे डाइड हुअर दे फेल, और जहाँ वे गिरे वहीं मर जाने लगे, या ऐसे कह दें दे डाइड या दे बिगेन टू डाइड फॉर द लेक ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन और पानी की कमी के कारण वो रास्ते में गिरने लगे और इसी के कारण वो मर जाने लगे। ठीक है, ये था स्टेंजा पैराग्राफ, इसको देख लेंगे। अगला देख लें, थोड़ा और है। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, चिल्ड्रन बच्चे सेलिंग बास्केट जो टोकरियां बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स वे पुत्र और पुत्रियां थीं, किसकी, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के, जो शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। कौन वे बच्चे जो स्टेशन पर लेखक को घेरे हुए थे, वो इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र या पुत्रियाँ थीं। दे आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके मम्मी पापा, आर रिलेटिव्स या उनके नातेदार रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज नगरों में, स्टार्टिंग अप स्टॉल्स दुकानें स्थापित करने लगे, दुकानें चलाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग निर्मित करने लगे, निर्माण करने लगे, सिंपल आर्टिकल्स सामान्य चीज़ों का निर्माण करने लगे, काहे के लिए, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, रोजी रोटी कमाने का प्रयास करने लगे, इन द मार्केट उन बाजारों में जो ऑलरेडी, उन बाजारों में चीज़ों को बेचने लगे जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड मीन्स पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास के छप्परों वाले मकान में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो गलियारे में, गलियों में लाइनों से बनी हुई थी। द पीजेंट, जो किसान थे,
एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे हैड बीन एकस्टम्ड, ने आदत डाल ली थी, क्या टू लिटिल कम की आदत डाल ली थी, ऑल दियर लाइव्स, अपने पूरे जीवन में कम खाने की आदत डाल ली थी। और क्यों ऐसा किया था? फार, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो वार्षिक आय थी एक खेतिहर परिवार की, वार्षिक आय डज नॉट एग्जिस्ट, वो अधिक नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, ऑन एन एवरेज औसतन $100 ए ईयर, एक साल में कितना कमा पाते थे? $100। ठीक है, एक साल में वो मात्र $100 कमा पाते थे। तो औसतन उनकी सालाना कमाई, वार्षिक कमाई $100 थी। ठीक है, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अकुशल मजदूर औसतन मेक्स कमा पाता था 30 सेंट, कितना? 30 सेंट ए डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता था, आर लेस देन $2 ए वीक, या दो सप्ताह में, एक सप्ताह में $2 कमा पाता था। देयर इज वन मील ए डे, दिन में एक ही बार भोजन करते थे। क्या क्या खाते थे? वन ओनियन ए पीस ऑफ ब्रेड, एक प्याज खाते थे, ए पीस ऑफ ब्रेड रोटी खाते थे, ए बाउल ऑफ पल्स कटोरी दाल खाते थे विद मिल्क, किसके साथ? दूध के साथ, और परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद थोड़ी बहुत पनीर भी उनको मिल जाती थी। ठीक है, नो टी, कोई चाय नहीं मिलती थी, नो काफ़ी, कोई काफ़ी नहीं मिलता था, नो फैट, कोई तली भुनी चर्बी वाली चीज़ें नहीं मिलती थी, और नो स्वीट्स, और कोई मीठा भी नहीं मिलता था, और नो मीट, और ना ही कोई मांस मछलियां मिलती थी। ठीक है, $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 कमाना इज नॉट $2 ए वीक, सप्ताह में, एक सप्ताह में $2 कमाने पर भी नहीं होता। ठीक है, अगर एक सप्ताह में आप $2 कमाते हैं तो पूरा जब टोटल करेंगे तो वो साल में $100 पूरा नहीं होगा। ठीक है, एक सप्ताह में $2 कमाते थे जिसको जोड़ने पर वर्ष में $100 भी पूरा नहीं होता था, और इतनी छोटी मात्रा पैसों की, यट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी ये छोटी सी मात्रा इज हार्ड टू अर्न, मुश्किल थी कमाने में, बाई सेलिंग बास्केट टोकरियां बेच करके टू पीपल, उन लोगों को जो टू पुअर टू बाई देम, जो इतने गरीब थे जो उसे खरीद नहीं सकते थे। जैसे स्टेशन पर भाई जब ये टोकरियां बेचते थे तो जो अन्य लोग थे वो भी तो गरीब थे, अरे भाई शरणार्थियों का ही झुंड बटोरा वहां लगा रहता था, और जो भी ऑलरेडी पहले से इंडियन रहते थे वो भी ज़्यादा गरीब रहते थे, तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे वो इतने गरीब होते थे कि टोकरियों को खरीद नहीं पाते थे, इसलिए उनको यही छोटी मात्रा, ठीक है, $2 ए वीक की छोटी मात्रा कमाने में भी बहुत मुश्किल होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग इतने गरीब थे कि उन्हें खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज द रीजन, इस कारण में कोई शक नहीं था, दीज लिटिल चिल्ड्रेन, कि ये छोटे बच्चे डिसेंडेड टूट पड़े ऑन मी, मेरे ऊपर लाइक लोकेस्टस, किसकी तरह? टिड्डियों की तरह से मेरे ऊपर टूट पड़े। टिड्डियां तो फिलहाल देखे होंगे, जैसे इस बीच में टिड्डियों का प्रकोप था तो देखे होंगे, सब झुंड में रहती हैं, तो ठीक उसी प्रकार झुंड बनाकर एक बैग इनके ऊपर सब टूट पड़े थे, दौड़ पड़े थे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ सब गरीब थे, वो चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे, और यही कारण था कि जब बच्चों ने मुझे देखा तो ये सब मेरे तरफ टिड्डियों के समान टूट पड़े। क्यों? क्योंकि आई, मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिकी व्यक्ति था, वाज मीन्स था, डाउटलेस
निसंदेह था द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे अधिक भड़काऊ बाजार, या कह दें सबसे एग्रेसिव बायर नजर आया, खरीदार नजर आया दे हैड सीन, जिसको उन्होंने देख लिया था। मतलब जब उन्होंने मुझे देखा तो बच्चों को ऐसा लगा कि यह एक बढ़िया खरीदार है, अमीर खरीदार है, यह हमारी टोकरियों को आसानी से खरीद लेगा और मन मुताबिक हम लोगों को पैसा भी दे देगा। तो यही कारण था कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो लेखक की तरफ टिड्डियों के समान टूट पड़े, चारों तरफ से उसको घेर लिया ताकि वह लेखक इनके आर्टिकल्स को, पंखे और टोकरियों को खरीद ले। ठीक है, अब इन लाइनों को रिपीट कर लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे, वो सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी। तब भी अगर समस्या बनी रहती है तो आप संपर्क करें, क्वेश्चन भेजें। ठीक है, धन्यवाद।